करें कि इलेक्शन किस तरह लड़ना है, क्या सीट एडजस्टमेंट करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इसके बिल्कुल हक में, जिस मुखालिफ को हमने देखा है वो तो पाकिस्तान को तोड़ देना उसके लिए एक खिलौने के मुतरादफ है। निगरान सेटअप पर इत्तेहादियों की अहम तरीन बैठक, निगरान वजीर आजम छोटे सूबे से लाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की जानिब से रहनुमाओं का शाइया, निगरान वजीर आजम पर आज अपोजिशन लीडर से दोबारा मुशावरत होगी, नाम फाइनल होने का इम्कान। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को सीट एडजस्टमेंट की दावत भी दे दी, कहा हमारा मुखालिफ मुल्क तोड़ना चाहता है। उस जत्थे ने रियासत, फौज और सिपा सलार के खिलाफ बगावत की, साधे 9 मई में मकरू चेहरे सामने आ गए। रियासत मदीना की गर्दान करने वालों का अमल बिल्कुल बरक्स था। अफसोस की बात है कि सदर पाकिस्तान ने मुझे आज खत लिख दिया है। इतनी लालमी किस तरह हो सकती है कि उनको शऊर नहीं है, इल्म नहीं है कि ये मरला 8 दिन पर मुहित है। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए 8 रोज का वक्त है। आरिफ अलवी की लाइल्मी पर अफसोस हुआ, सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी ने माजरत कर ली। उबूरी हुक्मरान की तकर्रुरी से मुतालिक खत पर शहबाज शरीफ का रद्द अमल, सदर मुमलिकत ने हतमी नाम आज भिजवाने के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को मरासला भिजवाया था। अगर सादिक संजरानी निगरान वजीर आजम बने तो सियासत की समत और इंतखाबात की तारीख का पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदनीयती पर मबनी है। सिंध असेंबली तहलील, गवर्नर कामरान चौधरी ने असेंबली पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला सिंध एडवाइस लेकर खुद गवर्नर हाउस पहुंचे। अहवान के अलविदा इजलास में अरकान की गैर मामूली हाजिरी, इक्तदार के 5 बरस हमारे लिए आसान न थे, साजिशों का मुकाबला किया, मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ भी दिया। मुराद अली शाह का अलविदा खिताब, आज अपोजिशन लीडर से निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में फिर तब्दीली, गैर सियासी अफराद पर मुश्तमिल नई काबीना तश्कील देने की तैयारियां। निगरान सेटअप के तमाम 25 वज़रा और मुशीरान मुस्ताफी, गवर्नर ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। बलोचिस्तान असेंबली की आइनी मुद्दत का आज आखिरी दिन है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 का अलदम करार, चीफ जस्टिस इसा इब्राहिम ने 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। एक्ट गैर आइनी है, पार्लियामेंट ने अपने दायरे कार से तजावज किया, नजरसानी को महज उमूमी कानून साजी से अपील में नहीं बदला जा सकता, ऐसा सिर्फ आइनी तरमीम से ही मुमकिन है, कानून बरकरार रहा तो नजरसानी दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ जाएगा। माजी के अदालती फैसलों में मुतासर अफराद भी नजरसानी दायर कर सकेंगे, जो फैसले हतमी हो चुके हैं उन पर नजरसानी मुकर्रर मुद्दत के बाद दायर नहीं हो सकती। अदालतों का फर्ज है कि वो आइन का तहफ्फुज़ और दिफा करें। फैसले का मतन, कानून बनाना मुकन्ना का काम, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती, सिर्फ उसकी तशरीह कर सकती। मुकन्ना की जो हक है उसको सल्ब करने की एक कोशिश थी। पार्लियामेंट को कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। बाज़ जजेस ने पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर महाजराई की। दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बेंच मुकन्ना का हक सल्ब करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगु, कहा नवाज शरीफ 5 साल मुद्दत पूरी कर चुके, अब उन पर कोई पाबंदी नहीं। पीटीआई चेयरमैन सिर्फ मोहरा थे, असल हुक्मरानी मुर्शिद ने की। बुशरा बीबी की डायरी ने सारी हकीकत खोल दी। साबिक वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर अहलिया के कंट्रोल में थे। अदलिया, फौज और सरकार पर दबाव डालने और वक्त के तायुन के फैसले म्याद से होते थे। साबिक खातून अव्वल ने सियासी डिक्टेशन भी दी। दखियानूसी ख्यालात और तकरीबी ज़हने कौमी इदारों और सियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। हाथ से लिखी तहरीर सामने आने पर कच्चा चट्ठा खुल गया। मुर्शद और मुरीद की मोहब्बत, कहानी दुनिया के लिए बाइस हैरत। पीटीआई चेयरमैन पहले खुद असीर हुए, फिर सोच और शख्सियत भी कैदी बन गई। अहलिया को मुर्शद पुकारने के बाद खाना पीना सोना और जागना सब बुशरा बीबी के ख्यालात के ताबे था। साबिक खातून अव्वल ने उजरत में डायरी के कई सफात फाड़ डाले। इन सफात में क्या था, उन्हें फाड़ा क्यों गया, मिलने पर मजीद संगीत इंकशाफात सामने आने का इम्कान।
पीटीआई की हुकूमत पार्टी चेयरमैन के घर से चलती थी। साबिक वज़ीर आज़म लियाक़त के ज़ेर असर थे, कोई भी फैसला उनका अपना नहीं होता था। अब्दुल अलीम खान कहते हैं पंजाब में होने वाली करप्शन में भी बुशरा बीबी का कलीदी किरदार था। ख्वाहिश है इलेक्शन नवे रोज में हो, शफाफियत भी यकीनी बनाई जाए, जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए। सदर सहकाम पाकिस्तान पार्टी का टीवी इंटरव्यू। ओकाड़ा के थादा बसीरपुर की हदूद में मुबैदा पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, फायरिंग के तबादले में एएसआई जख्मी। लाहौर के इलाके बजग में तीन डाकू ने शहरी से मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज बंजरे आम पर आ गई। कराची पुलिस की लांडी खुरमाबाद में कार्रवाई, मुखबिर बच्ची बाजिया, बच्ची को गुज़श्ता रोज हैदराबाद से अगवा किया गया था। शेरों के पिंजरे में 10 मिनट गुजारो, 10 लाख इनाम ले जाओ। पुलिस ने खतरनाक चैलेंज का ऐलान करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब हुकूमत का कहना है घरों में पालने वाले जंगली जानवरों की तस्वीर पर जानवर जब्त हो गए, कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना होगा। शाम में आर्मी की बस पर दाइश का हमला, 23 फौजी मारे गए, 10 जख्मी, दर्जनों लापता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने घेराव के बाद फायरिंग की। ना खत्म होने वाली प्रॉक्सी वॉर को स्पॉन्सर करते करते थक गए। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने यूक्रेन के लिए $24 अरब इमदाद की मुखालिफत कर दी। रिपब्लिकन रुकन वार्न डेविडसन ने आज सदर बाइडन को खत, 12 अरकान की हिमायत हासिल। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, स्पेन में गर्मी का 10 साल रिकॉर्ड टूट गया, सबसे बड़ा ग्लेशियर पिघल गया, सिर्फ चट्टान बाकी रह गई। ट्विटर के मालिक एलन मस्क और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की कैच फाइट इटली के दारुल हुकूमत रोम में होगी। इतालवी हुकूमत ने बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी, फाइट 26 अगस्त को मुतवक्के है। एशिया कप के मैचेस स्टेडियम में देखने हैं तो तैयार हो जाएं। लाहौर और मुल्तान के वीआईपी और प्रीमियम इंक्लोजर्स के ऑनलाइन टिकटों की फरोख आज से शुरू होगी। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान 30 अगस्त को। हमारी जान हमारी पहचान, प्यारा पाकिस्तान, करिया करिया नगर नगर, जश्न आजादी की तैयारी, वतन से मोहब्बत का इजहार। लाहौर में टाउन हॉल की इमारत को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रेस्क्यू 1122 की इमारत भी रोशनियों से जगमगा उठी।